हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स अपने आएंगे, फिर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स अपने आएगी। तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेटिंग अपने आएगी। तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और जो भी हमारी फ़ोन की ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए टाइमिंग को हम यहाँ से चेंज कर देंगे। चेंज करते ही जो हमारी फ़ोन की ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।